आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पोस्ट बजट वेबिनार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में की चीन की तारीफ, कहा चीन शांति पसंद देश, वहां की सरकार कॉपरेशन की तरह काम करती है। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, दूरबीन से भी नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा की अंतिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। त्रिपुरा के मानिक साहा ने दिया इस्तीफा, बतौर सीएम प्रतिमा भौमिक हो सकती है बीजेपी की पहली पसंद। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज जिस मुकदमे को वापस लिए जाने की बात कही थी, वह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। चुनाव आयोग ने मुजफ्फरनगर के खतौली में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। अखिलेश पर चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का प्रयोग करने का आरोप था। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ आप ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सरपंच और कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आप नेता अशोक तंवर के नेतृत्व में फरीदाबाद के बीके चौक पर भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर का पुतला भी फूका है। साथ ही आप नेता अशोक तंवर ने राज्य सरकार पर जमकर बरसे। आज तो पहला पुतला जला है, आने वाले समय में जनता जो है बीजेपी जेजेपी से लेकर के जो निकम्मा नकारा विपक्ष है उसको भी ऐसे ही फूकेगी, सांकेतिक तौर पे भी फूकेगी और इनका सफाया भी करेगी। क्योंकि जिस तरीके से लाठी डंडे गोली के जोर पे तानाशाही के माध्यम से सरकार आंदोलनों को दबाना चाहती है, जायज मांगों को वो लागू नहीं करी, सुन नहीं रही, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सब लोग मिलकर के वो लड़ाई लड़े और आज हमारा ये पूरे हरियाणा के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया होते हैं तो आंदोलन के समय पर जो सत्ता से बाहर राजनीतिक पार्टी हैं वो जाकर के आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं। सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद क्या वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय करेंगे, वो सवाल हमने उनसे किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में आई तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। यही बात कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन आज जो ये पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर। होली की मशहूर मिठाई गुजिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं होली की एक और मशहूर मिठाई के बारे में, जिसको पाकिस्तानी घेवर या जलेबा के नाम से जाना जाता है। यह मिठाई आपको अलीगढ़ में एकमात्र नई बस्ती स्थित सिंध स्वीट्स की दुकान पर ही देखने और खरीदने को मिलेगी। कारीगर और विक्रेता बताते हैं कि यह मिठाई खासतौर से पाकिस्तान के सिंध इलाके में खाई जाती है। जिले में यह बेहद लोकप्रिय है। यह पाकिस्तान घेवर होली के आसपास ही मिलता है। इसको होली की मिठाई के रूप से भी जाना जाता है। मैं आपका अजीत कुमार चावला। बाबू जी, क्या किस तरह के ये आप लेने आए खरीदने, क्या खासियत है इसकी? ये घेवर है जो सिंधी डिश है, जो आपसे नहीं है, जो मतलब कई सालों पुरानी पाकिस्तान से चलती आ रही है प्रथा, एक चलती आ रही है जो हम लोगों को होली पे जो है
15 दिन पहले और 2-4 दिन बाद में होली के चलती है, और लोग जो सिंधी तो खाते ही हैं, और भी बरादरी जो है खूब दिल से खाती है, और ये लोग उसको जो है जलेबा बोलते हैं जो लोकल। कहाँ के खास डिश मानी जाती है ये? पाकिस्तान की। क्या क्या इस्तेमाल होता है इसके अंदर, टेस्ट में कैसे रखते हैं? ये टेस्ट ऐसे जैसे जलेबी का दूसरा रूप आपका गोभी चल। तो किस तरह की डिश है और क्या है इसका मेन? ये डिश पाकिस्तान की है, ये जो ज़्यादातर पाकिस्तान में ये सिंध के इलाके में होली के आसपास या होली के टाइम पर ही खूब प्रचलित है, ये खूब इसकी सेल होती है। यहाँ पर भी जो सिंधी समाज है वो इसको मनाता है और बड़ी डिमांड आती है होली का। पाकिस्तान की कौन सी जगह की और कैसे? पाकिस्तान में सिंध का एरिया जो है ना, कराची है, जैगमाबाद है, कनकोट है, या रोड़ी है, सखर है, घोटकी है, ये सब इलाके जो है सिंध के, वहाँ ये बड़ी प्रचलित है। इस्तेमाल क्या होता है बनाने में? सब बनाने में खमीर से बनती है ये। औरैया में जिम्मेदारों की प्रताड़ना से परेशान होकर शुक्रवार की दोपहर दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का नाम शामिल होने के बाद भी करीब 7 लोगों का नाम काट दिया गया। नाम कटने से महिलाओं समेत 7 लोग जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने 7 लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये देख वहां तैनात पुलिसकर्मी दौड़े और पेट्रोल व माचिस छीन लिया। घटना से जिला मुख्यालय पर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें डीएम पीसी श्रीवास्तव ने महिलाओं की बात सुनी और मामले की जांच को 3 सदस्यीय टीम गठित की है। इंदिरा आवास को लेकर के सर हमारे गांव ग्राम पंचायत बात है, और सर वो हम डीएम साहब को अपना एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, तो वही मामला है सर। तो अब बहुत देर में तो सुनवाई हुई, जब अपनी बात कहो तो कोई आदमी वही बात है कि ये बात कहते हैं कि नहीं ये गलत है। किस मामले का प्रार्थना पत्र लेके आई थी? आवास की सर, जो पिछले पंचवर्षीय से सूची की जो आवास थी सर, वो हमारे जो चेक हुआ दोबारा तो उसी चीज़ को लेकर के सिक्योरिटी साहब चेक करें, मतलब जो भी जांच में हुआ पात्रित हुआ वीडियो साहब के अपात्र हुआ, मतलब उन्होंने लिख दिया हमारी साहब कॉलोनी चली गई। हम तो ये समझ रहे साहब मेरी कॉलोनी अब कटगी दोबारा हो यही नहीं, तो हम साहब यह चीज़ को लेकर के मतलब हमने साहब चलो मनना ही अपने। अच्छा किस लिए प्रयास कर रहे हो, क्या मामला? जब घर में सर रहने कुछ रहने को आवास आया था सर, तो वो कटवा दिया, वो वीडियो साहब भेजे वो काट दिया उन्होंने। यानी वीडियो ने काट दिया? जी जी। किसी ने कोई किसी प्रकार की रुपए की मांग की थी क्या? 15,000 रुपए मांग की। कौन? किसने? वीडियो साहब। अच्छा, यानी कि 15,000 रुपए ना मिलने के कारण तुम्हारा आवास जो है निरस्त किया गया? जी। तो आज यहाँ जिलाधिकारी क्या सुविधा करने आए थे? जी हम आए थे सर एप्लीकेशन देने, एप्लीकेशन दे नहीं पाए तो हमने कहा घर पे मरेंगे तो यहीं पे मर जाएंगे, क्या घर रहे नहीं घर। एप्लीकेशन क्यों नहीं दे पाए थे? क्यों मरना क्यों चाह रहे? कोई जानते नहीं सर इधर कहीं, मरना क्यों चाह रहे? सब महिलाओं सहित 7 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, क्या मामला है सर? यहाँ पे अभी कोर्ट करते समय पता चला कि कुछ लोग ऐसा डाल उल करके कर रहे हैं, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने रोक दिया उनको। फिर मैंने बुला के उनको पूछा कारण क्या है, तो उनका कहना है कि हमारा नाम सूची में है आवास के, बट हमारा नाम जो है हमें मिला नहीं अभी तक, तो हमारा नाम शायद कट गया है और हमारा नाम फिर से जोड़ने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये उनका कुल मिला जुला के छोक था, प्रधान जी भी साथ में थे। मैंने उनको कहा कि ठीक है आपका नाम अगर सूची में है तो क्यों कट गया, इसके लिए अगर वीडियो ने काट दिया, मैंने एक उच्च स्तरीय समिति बना दी, 3 विभाग के 3 अधिकारी ले लिए, एक रेवेन्यू से। क्या नाम है आपका? तेज बोलो तुम, कहाँ के निवासी हो? निवासी कहाँ की? क्या मामला? 6 लोगों ने पेट्रोल डाला। क्या नाम है आपका? आवास नहीं मिले? आग लगा रहे हैं, नहीं मिली है तो हम कहाँ रहे हैं? घर में ये आए नहीं, आदमी मजदूर आदमी। क्या नाम है आपका? सब बताओ अपनी अपनी बात खूब कहो। कहाँ की निवासी? जोर जोर से बताओ। क्या मामला है? मैम मेरी पहले आई कॉलोनी आई थी, पहले वीडियो साहब ने वो आए थे जांच करने, तो बात कर गए, फिर वीडियो साहब गए 15,000 रुपया मांग रहे, बात नहीं कर रहे मेरे पति, मेरे आदमी पे मजदूर आदमी नहीं हाथों नहीं घर पे चले गए, तो बाहर मजदूरी कर हम बच्चा माए गए बड़बड़ा दूँ। अब सुबह से आए बच्चा मेरे तब दूसरे घर है ढील आए मजदूर आदमी, और बच्चा मेरे अकेले घर में ढील, हम कहाँ पर आएंगे? मुझे घर में रहिए मेरी है नहीं, सब फटो ढाड़ो। वीडियो कहाँ के हैं? सार के। क्या नाम है?
आवास आया वीडियो रुपया मांग रहे थे। एक ही परिवार से हैं सभी लोग की अलग अलग है? दूसरे गांव के हो? यानी कि वीडियो सार ने आपने सबको जो परेशान किया, इसलिए आप आज यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आत्मदाह करने आए? शिकायत करने आए थे। शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी ने क्या सुनी नहीं थी आपकी? आत्मदाह करने का क्यों प्रयास क्यों गया? जब जिलाधिकारी आपकी बात सुन रहे थे तो आप दाह करने का प्रयास क्यों किया गया? यानी पहले कोई सुनवाई नहीं, इसलिए आपने आत्मदाह करा? दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 21 फरवरी को एक ज्वेलर्स के यहां लूट का प्रयास करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त घायल हो गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में 8 अन्य अभियुक्त अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21 फरवरी को जागृति विहार थाना बापूधाम में डकैती का प्रयास करा गया था सराफे के साथ, इसका आज सफल अनावरण हो गया है। कल देर रात्रि जब हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कूटी सवार इस घटना में इन्वॉल्व दो लोग जा रहे हैं, तभी हमने उनको रोकने के लिए बोला और वो रुके नहीं और उसमें पुलिस पे उन्होंने फायर करा। जवाबी आत्मरक्षा फायर में पुलिस ने गोली चलाई तो इसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसका नाम शिवा पुत्र कल्लू है, जो कि कुमार वाली गली मुरादनगर का रहने वाला है। साथ ही साथ हमने एक व्यक्ति को और गिरफ्तार करा। गाजियाबाद में व्यवहार मंडल द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं में पुलिस प्रशासन, मेडिकल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही एनडीआरएफ जैसी जगहों पर काम कर रही महिला शामिल हैं। बता दें कि प्रभारी मंत्री असीम अरूर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में, हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मी की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी ने गाली गलौज करते हुए तीरमारदार को पीट रहा है। युवक के नाक से ब्लड निकलने पर अपने साथी को लेकर मेडिकल कॉलेज आया था, इसी दौरान किसी बात को लेकर इमरजेंसी के वार्ड बॉय ने मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। हम भाई की दवाई लेने तो उसकी नाक से खून निकलने लगा था एकदम से अपने आप, तो वो स्टील की कोई डंडी टाइप की डाल लेते उसकी नाक में, तो हमने कहा हटो ये क्या कर रहे हो। इतने में उन्होंने हमें पकड़ के मारने लगे, तो जो मेरे साथ में जो दादा थे वो लोग चले आए, उठ के आ गए, उसने हमें पकड़ के बहुत मारा, ये सब चोट लगी हुई है ये इधर भी। किसने मारा वहाँ पे? वहाँ पे कंपाउंडर था शायद वो। तो शिकायत आपने कहाँ की? हमने शायद कोतवाली में एप्लीकेशन दिखवाई दिया था। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कुछ बता ही नहीं रहे अभी। अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक वार्ड बॉय प्रकाश है, ये मामला संज्ञान में आया कि इनके द्वारा एक अमन श्रीवास्तव जो वहाँ इलाज करने गया था उसके साथ मारने पीटने का मामला आया है। उक्त में थाना स्तर से जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में एक बार फिर नकली पान मसाला का कारोबार का मामला सामने आया है। जिले के हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के घंटाघर के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर
कलेक्टरगंज एसीपी ने लाखों का नकली पान मसाला लोडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।